जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कैपिट टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैनल पर ज़्यादातर छोटी कंपनियों के बारे में बात होती है, लेकिन अब इस पर बड़ी कंपनियों के बारे में भी बात होगी। ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ पेनी स्टॉक में ही बनता है। पेनी स्टॉक में पैसा बनता है, लेकिन उसमें रिस्क भी काफ़ी होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग तो इसमें रिस्क लेकर ही मैनेज करते हैं। उनको कमाई कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन जो मुनाफा की संभावना होती है वो बड़ी कंपनियों में ज़्यादा होती है। जैसे कैपिट टेक्नोलॉजी हो गया या इसके समानांतर जो और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, भले इनमें प्रॉफिट थोड़ा लेट से बनता है, लेकिन प्रॉफिट जबरदस्त होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैपिट टेक्नोलॉजी ने कितने कम समय में कितना अच्छा रिटर्न दिया, आपको विश्वास नहीं होगा। और अभी जब इस स्टॉक में गिरावट चल रहा है इन दिनों, तो गिरावट की वजह से स्टॉक लगातार चर्चा में है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है, ये गिरावट कहां पर जाकर ठहरेगा और फिर वहां से बाउंस बैक लेके ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट अभी आ रहा है, इसमें आपको ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका जो माइंड सेट है पेनी स्टॉक के प्रति, थोड़ा सा उसको चेंज कीजिए। स्टॉक मार्केट में आप आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो थोड़ा कम रिस्क के साथ अच्छा पैसा कमाइए। भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पैसा आपको जबरदस्त मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैपिट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आज का दिन इसने 795 रुपए पर अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 2.5% की गिरावट के साथ। गिरावट आपको पता है कुछ पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 12% के आसपास टूटा है। यहाँ तक धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन इसके बाद से देखेंगे तो काफ़ी तेज इसमें गिरावट हुआ है। और पिछले एक मंथ में भी देख सकते हैं तकरीबन 3.5% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। बीच बीच में इसमें उतार चढ़ाव होता रहा है इस स्टॉक में, लेकिन फिर भी एक मंथ में ज़्यादातर देखेंगे तो स्टॉक नीचे की तरफ ही आया है। वहीं पर पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में अभी उतना गिरावट नहीं आया है। 6 मंथ में अभी भी ये स्टॉक 16% से ज़्यादा पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। यानी कि जिन लोगों ने इस स्टॉक में 6 मंथ पहले पैसा लगाया होगा, उनका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन निशान में होगा, उनको अभी भी प्रॉफिट हो रहा होगा। हालांकि अब देखेंगे तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों, ये है केपी टेक्नोलॉजी कंपनी। यहाँ पर अभी हम लोग इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को ओपन करते हैं, फिर टेक्निकल के माध्यम से समझ लेते हैं कि अभी इसमें गिरावट कितना होगा और कहाँ तक होगा, तो गिरावट के पीछे की वजह समझ लेते हैं, फिर फंडामेंटल और कंपनी के काम और उसके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट को समझते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति अपनाएंगे। इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट ओपन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साल है 2020। साल 2020 में देखेंगे तो इसका प्राइस तकरीबन 88 रुपये के आसपास चल रहा था, 82 रुपये के आसपास। और जैसे जैसे साल बढ़ते गया, कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ते गया, खूब बढ़ा। जनवरी 2022 में तकरीबन यहाँ तक आया है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ तक आने के बाद फिर इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मारकर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर प्राइस ऊपर उठा, और अभी भी देखेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ ही है। मतलब मैक्सिमम जब मैंने इस कंपनी का चार्ट ओपन किया है, तो अब देखिए अब 3 साल का चार्ट ओपन करते हैं। 3 साल का चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब जो है इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा अपने ऑल टाइम हाई पर जो 900 रुपये के आसपास से, वहाँ से रिट्रेसमेंट मारकर नीचे की तरफ आ रहा है। साल भर के अंतराल पर यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, तो आप देखिए कि ये जो यहाँ सूखना शुरू हुआ था, यदि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो तकरीबन अपने सपोर्ट के पास आ गया है, जो इसका सपोर्ट है 800 रुपये के आसपास। 800 के आसपास इसने मल्टीपल पर सपोर्ट लिया है और मुझे उम्मीद है कि यहीं से इसका प्राइस फिर अब ऊपर की तरफ उठेगा। अब देखिए हुआ क्या है, इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई दिनों से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, और अभी आपने देखा कि 950 के आसपास पहुंच गया, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के करीब था। तो जब एक स्टॉक काफ़ी समझिए कि 80 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ और पहुँच गया 900 रुपये तक सिर्फ 2 से 2.5 सालों के अंदर, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। जब जब वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँचता है, ऑल टाइम हाई के पास जब भी जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत किसी भी स्टॉक में, सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने बहुत कम लेवल पर किसी स्टॉक में पैसा लगाया होगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो वही प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में चल रहा है। बाकी इसमें अंदर में कोई कमी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक हो सकता है, तो 800 के आसपास आ गया, इससे नीचे आने की संभावना नहीं है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में स्टॉक इससे नीचे आता है तो 750 रुपये तक आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट मार्क प्राइस ऊपर की तरफ ही उठेगा, तो फिर एक नया हाई क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं कैपिट टेक्नोलॉजी जो कंपनी है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। काम देखेंगे तो कैपिट टेक्नोलॉजी का काम काफ़ी सिंपल है। कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें AI डिजिटल सॉल्यूशंस के साथ साथ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइडर कंपनी है। भारत के अलावा कई देशों में इस कंपनी का व्यापार है। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक है, फंडामेंटल में भी कोई कमी नहीं। फंडामेंटल देखेंगे तो तकरीबन 21,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और इसका जो बुक वैल्यू है 50 रुपीज है, और ROE और ROCE देखिए दोनों पॉजिटिव में है। यानी कि निगेटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड भी बढ़िया देती है आपको, साल भर में इसके डिविडेंड से ही अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरे हिसाब से लंबी अवधि में आपको इसमें पैसा बनेगा, और अभी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप निचली स्तर पर बाई करेंगे, फिर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, वहाँ पर आपको मुनाफा होने के चांसेज रहेंगे। केपी टेक्नोलॉजी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।